चंद्रयान 3 की सॉफ्ट सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इसरो ने दो वीडियो रिलीज किए। पहला तो लैंडर प्रज्ञान से रोवर किस तरह से बाहर को निकल रहा है, ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है इसरो के द्वारा रिलीज किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोवर किस तरह से बाहर को निकल रहा है और निकलने के बाद जो काम कर रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोवर जो है किस तरह से बाहर को निकल चुका है। उसके बाद अब हम दूसरी वीडियो दिखाने वाले हैं, यानी कि रोवर के अंदर जो कैमरे लगे हैं ये फुटेज आप उस कैमरे की देख रहे हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो, ये वाली भी दो वीडियो इसरो ने रिलीज किए, बहुत ही अमेजिंग वीडियो। और ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, इस फुटेज को देखने के लिए हर भारतीय बेताब है। तो इसरो ने ये दो वीडियो रिलीज किए हैं, पहले तो रोवर किस तरह से बाहर को निकला और बाहर निकलने के बाद रोवर किस तरह से चांद की फुटेज ले रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खोजी जाएंगी, जैसे कि वहाँ पर क्या क्या है, कौन सा मेटल है, कौन कौन से वहाँ पर पदार्थ हैं। और ये जो मिशन है सिर्फ एक दिन का होगा, यानी कि चांद का एक दिन और धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चांद पर 14 दिन रात होती है, 14 दिन होता है, लेकिन ये मिशन जो है चांद का एक दिन रहेगा। जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे धरती के, उसके बाद चंद्रयान 3 हमारी काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद वापस धरती पर आ जाएगा। और ये चांद की जो फुटेज हम देख पा रहे हैं, इस फुटेज को देखने के लिए, इस नज़ारे को देखने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तब जाकर हम इस मकाम पर पहुँचे। इस अचीवमेंट को हासिल करने के बाद भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग की है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था उस समय चंद्रयान 3 को धरती से कोई भी कमांड नहीं दी जा रही थी। चंद्रयान 3 ने जब लैंडिंग की थी तो उसने अपने AI सिस्टम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम से चंद्रमा पर ऑटोमेटिक लैंडिंग की थी। देखने में काफी बेहतरीन ये नज़ारा लग रहा है, चंद्रयान 3 इस समय चल रहा है और चलते समय जो चांद का नज़ारा आ रहा है वो काफ़ी औसम है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं छोटे गड्ढे, ये हमें छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े चांद पर गड्ढे हैं। बहुत ही सोच समझकर चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारा गया, क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 सक्सेसफुल लैंड नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अभी भी चंद्रयान 2 हमारा चंद्रमा पर काम कर रहा है और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। इस चीज़ को भी इसरो ने कंफर्म किया है, चंद्रयान 2 हमारा अभी भी काम कर रहा है और करता रहेगा, लेकिन चंद्रयान 3 हमारा 14 दिनों के बाद काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद वापस धरती पर आ जाएगा। तो काफ़ी इमेजिंग है, इसको आप देखते रहिए कितना बेहतरीन ये नज़ारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी बेहतरीन वीडियो देखने को मिलती रहें।